नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित सक्सेना है और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मणिपाल हॉस्पिटल पालम विहार गुरुग्राम में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि इसका एक पेशेंट हमने रिसेंटली ट्रीट किया है जो अभी आप लोगों के सामने। तो माता को सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर 2015 में डायग्नोज हुआ था, उस समय उनका ऑपरेशन हुआ था और उसमें हमें पता चला था कि हार्मोन पॉजिटिव हर्टू नेगेटिव कैंसर है, तो उनका हार्मोन थेरेपी से ट्रीटमेंट हुआ था जो लगभग काफी सालों तक चला, लगभग 6-8 साल तक चला। उसके बाद पिछले साल लगभग अक्टूबर में इनको बीमारी वापस आई, तो उस समय उनको मैंने वहाँ अपने लोकल डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने इस कैंसर को हार्मोन पॉजिटिव मानते हुए हार्मोन थेरेपी ही बदल के दूसरी दी और लगभग 6 महीने वो हार्मोन थेरेपी पे रहे। लेकिन माता को हार्मोन थेरेपी से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, उनके दर्द वगैरह बढ़ते रहे और उनकी तकलीफ भी कंडीशन भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ती रही। तो लगभग जून में मेरे पास आए तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि अगर आपको ऐसा लग रहा है हार्मोन थेरेपी से पूरा फायदा नहीं है तो आप क्यों ना पेट सीटी करके देख लो कि ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि 10-15% केसेस में हार्मोन को कैंसर अपने व्यवहार बदल लेते हैं, हार्मोन पॉजिटिव हार्मोन नेगेटिव हो जाता है, हर्टू नेगेटिव हर्टू पॉजिटिव हो जाता है, तो कई बार बिहेवियर बदलते हैं। तो ये जानने के लिए हमने इनको पेट सीटी कराया जिसमें हमें पता चला कि बीमारी बढ़ गई है, इनकी फेफड़े में पानी भरने लग गया था जिससे इनकी सांस काफी उखड़ती थी, कुछ लीवर में भी कण पाए गए। तो हमने फिर लीवर की बायोप्सी की, जब लीवर की बायोप्सी की और उसमें हमने हार्मोन हर्टू का टेस्ट किया तो हमें पता चला कि ट्रिपल नेगेटिव है, मतलब अब ये कैंसर जो है वो हार्मोन थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और ट्रिपल नेगेटिव में हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए ना तो हार्मोन थेरेपी होती है और ना टारगेट थेरेपी होती है, तो हमने पेशेंट को कीमोथेरेपी शुरू किया। माता की उम्र को देखते हुए हमने वीकली यानी हफ्ते हफ्ते वाली जो दवाई है कीमोथेरेपी वो शुरू की, इसको माता ने बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है और इससे उनकी सांस की दिक्कत भी काम में भी काफ़ी फायदा हुआ है, जो पहले बार बार फेफड़े में पानी भरता था वो समस्या भी अब नहीं रही है, माता अच्छे से सांस ले रही है और आप देखें तो उनका जो लीवर के टेस्ट आ रहे हैं, खून के टेस्ट हैं, वो भी सारे अच्छे आ रहे हैं। तो ये हमारा अनुभव रहा और इससे हमने सीखा कि पेशेंट जो है वो हार्मोन जो जितनी बार बीमारी वापस आती है तो उसकी दोबारा बायोप्सी होकर उसका व्यवहार जानना जरूरी होता है। अनुमान के तौर पर ट्रीटमेंट करने से कई बार ट्रीटमेंट होने में गलती होने की संभावना रहती है। नमस्कार, मैं पहले से बहुत सही हूँ, मुझे बहुत अच्छा इलाज मिला है और मैं बिल्कुल सही हूँ, पैरों में भी दर्द खत्म हो गया है और मैं चल भी सकती हूँ, कुछ खाने पीने भी लगी हूँ, अब तो मेरा इलाज सही हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। चल भी नहीं पा रही थी, सांस भी नहीं लिए जा रहा था, फेफड़ों में पानी भर गया था, पानी निकलवाना पड़ रहा था 2-3 बार से, अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं सांस लेने में।